दुल्हा और दुल्हन पर हल्दी का रंग तो चढ़ गया, अब बारी संगीत की, जहां करण और पूजा का दिखा रोमांटिक अंदाज। भाई संगीत का मौका है तो कपल का रोमांटिक डांस तो बनता है ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये कैसे एक दूसरे के रंग में रंग रहे हैं। पूजा और करण के संगीत में आज खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं कई टेलीविजन सितारे, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए कामयाब पंजाबी रीम शेख, पूजा की रील साज भाबो यानी कि नीलू वाघेला, मोनिका खन्ना, आशी सिंह, हेली शाह, ससुराल सिमर का की टीम यानी कि राधिका, तानिया, अविनाश और कई और सितारे जो आज लगा रहे हैं पूजा और करण के संगीत में चार चांद। क्योंकि ये भी खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, भाई हो भी क्यों ना, मौका दोस्त की शादी का जो है और दोस्त की शादी में नाच गाना तो बनता ही है। तो आइए हम भी शामिल हो जाते हैं पूजा और करण की इन खुशियों में। This is, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ये चीज़ें होती गई और आज इतना ग्रैंड संगीत हो गया जो हमने सोचा भी नहीं था। एंड हमारे सारे खास लोग हमारे साथ हैं और सब ने बहुत मज़े किए एंड सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। वी आर वेरी हैप्पी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इतना लोग मतलब खुश हैं इन दोनों की शादी से, और इतनी परफॉर्मेंसेस थी और जिस हिसाब से इमोशनल मोमेंट्स थे बहुत ज़्यादा। एंड इफ यू सी अबाउट दिस ड्रेस, तो मैं तो गया और 5 मिनट में मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली सही कह रहे, मेरे ड्रेस को तो सेलेक्ट में इतना टाइम लगा था, इन्होंने 5 मिनट में सेलेक्ट कर लिया था। मैंने कहा हाँ ये परफेक्ट है, मुझे मतलब होता है ना माइंड में एक इमेजिनेशन होती है इस टाइप का। जिस तरह से बीवी एक पसंद कर लिया ना, वैसे ड्रेस भी पसंद कर लिया था। 5 मिनट मैंने कहा ये लड़की चाहिए, थोड़ा वाइब चेक कर दे, बाकी लड़की सही है, लड़की सही। सुपर, मतलब यार एक से एक परफॉर्मेंसेस, रैप, सिंगिंग, डांसिंग, ऐसा लग रहा था पूरा यहाँ पर शो चल रहा है ना। यार, वो तो कामिया तो बोली पड़ी यार, ये शो चल रहा है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब हम दोनों के
जो दोस्त है सब ने इतना बेहतरीन सरप्राइज परफॉर्मेंस, कब से मेहनत कर रहे हैं, बहुत इतना अच्छा किया, आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज स्टंड, आई वॉज सरप्राइज एंड मैं इमोशनल भी बहुत हो गई थी. सो आई फील वी बोथ आर ब्लेस्ड कि हम हमारे पास इतने खास खास दोस्त है, इतनी अच्छी फैमिली है. टच वुड, पुराने शोज की फैमिली ससुराल सिमर से बहुत सारे लोग आए थे, आई एम वेरी हैप्पी कि उस सब लोग यहाँ पर थे. और उसके अलावा मेरी बहुत सारे पुराने दोस्त थे, हैरी वॉज हियर, पायल इज हियर, पायल राजपूत मेरी बहुत पुरानी दोस्त है. लाइक हम लोगों ने एक शो साथ में किया था सपनों से भरे नैना टेलीविजन की, आज वो साउथ की बहुत बड़ी स्टार है एंड शी इज हियर. तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, वो लड़की इतना अचीव करने के बाद भी उसकी फिल्मों की रिमिक्स हो रही है बॉलीवुड में, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना. तो शी इज़ हियर, आई एम वेरी हैप्पी कि यार जितने मेरे दोस्त थे, जैसे नए हों पुराने हों, पैरी इज़ हियर, पैरी माई रैपर भाई इज़ हियर, है ना, ऐसे सब लोग बहुत सारे. और हमारी ससुराल की टीम तो इमोशनल है, मूवमेंट है मेरा लास्ट शो. ससुराल की टीम थी भाई, दिया बाती की टीम थी, बनी चाओ की टीम थी, सबकी टीम थी, मेरी शक्ति की टीम थी, सारी टीम थी भाई. मतलब अनएक्सपेक्टेड, लोगों ने इतना मेहनत की हमारे संगीत के लिए. तो इससे इससे यू नो पता चलता है कि लोग हमसे कितना प्यार करते हैं. और आप लोग तो हमसे बहुत ही प्यार करते हो भाई, सास बहू बेटियाँ भाई आप तो. तो मेरे जितने भी दोस्त थे मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे वो आशी हो, आशी मेरी मतलब हम लोगों ने कभी साथ में काम नहीं किया, पर हम लोग ऐसे दोस्त हैं, सबको बोलते हैं यार कब तुम लोग कभी कुछ किया, मैंने कभी कुछ नहीं किया. हम लोग एक बार ही मिले थे एक इंटरव्यू में एंड देन वी बिकम सो गुड फ्रेंड. और वो होता ना कि ऐसा लगता है कि यार ऐसे ओकेजन पे तो दोस्तों को आना चाहिए, और मैंने ऐसे ओकेजन बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स बुलाए थे एंड हैप्पी कि जो भी आ पाए सब आए और सब ने एफर्ट्स दिखाए, सब ने स्पेशल परफॉर्मेंस किया. सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट. करण पूजा के संगीत में खास परफॉर्मेंस रहा पूजा की रील साज भाबो यानी कि नीलू वाघेला का, जिन्होंने सभी का दिल जीत लिया. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी एमिली बीनड़ी, हाँ मैं तो देखो एमिली बीनड़ी मानूंगी उसे क्योंकि 5.5 साल तक साथ में काम किया है और उसके बाद भी कई शोज़ किए हैं और फैमिली की तरह है वो, पर आज उसकी सही में शादी हो रही है और वो बीनड़ी बनने जा रही है किसी और के यहाँ. तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार है मेरा उसके लिए कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ रहे, फूलों की तरह वो हंसती रहे जैसे वो है, बहुत ही चुलबुली सी है, बहुत ही मासूम सी है वो, दुनियादारी से बिल्कुल हटके है वो और इतनी मैच्योर हो गए बच्चे लोग आज के. देखो उनकी शादी हो रही है, घर गृहस्थी बसाने जा रहे हैं. तो भाबो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारे आशीर्वाद. करण को भी मैंने देखा है शक्ति में, शायद वो लोग दोनों साथ में ही काम कर रहे थे, पर देखिए कोइंसिडेंस, साथ में काम कर रहे थे तब तो प्यार नहीं हुआ, एक बिल्डिंग में रहते हैं तब भी प्यार नहीं हुआ, लेकिन किसी दोस्त के ज़रिए प्यार तो हो ही गया. तो इसे कहते हैं ऊपर वाले, ऊपर वाला सबके किस्मत में फूल भेजता है. वैसे आज इनके किस्मत के फूल खिले और ये दोनों साथ मिले, तो करण और पूजा दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. भाई परफॉर्मेंसेस तो खूब सारी हो गई, अब आइए बात करते हैं करण और पूजा के दोस्तों से. मुझे शादियां वैसे ही बहुत पसंद है और जब किसी अपने की हो तो और भी अच्छा लगता है, और भी मज़ा आता है क्योंकि आप मेहमान बन के नहीं रहते हैं. तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ मैं कभी अपनी लाइफ में करती ही नहीं हूँ. और शक्ति में मिली थी पूजा मुझे, तब से लेकर अब तक हमारा जो बॉन्ड है वो गहरा ही होता गया है और मैं बहुत खुश हूँ पूजा के लिए. सो वेरी 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 हैप्पी फॉर पूजा. वो हमेशा से सेटल होना चाहती थी और जब फाइनली ऐसा टाइम आ गया. एंड अच्छी बात यह है कि मैं करण को भी जानती हूँ और हम एक ही स्टूडियो में शूट करते थे शक्ति और सिमर. और बताओ तब तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, शक्ति और सिमर का मिलाप हो जाएगा. सो देखो स्मॉल वर्ल्ड, और उससे भी स्मॉल वर्ल्ड है टेलीविजन का.
तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. देखो संगीत और शादी और ये जो सारा माहौल होता है ना उसमें बिल्कुल इंडियन वाला होता है और उसमें कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए. मैंने भी वही किया है बिल्कुल. मैं लहंगा वहंगा पहन कर आ गई हूँ मेरी शादी के बाद. अब मुझे मौका मिला है लहंगा पहनने का. सो फुल तैयार व्यार होकर आए हम लोग काजल और झुमके एंड लहंगा. सो मैं बस वेट कर रही हूँ बाकी सबका. और अंदर मुझे बड़े अच्छे छाते वाते नज़र आ रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स. मेरी एक बहुत बुरी बात है कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी निकाल लेनी चाहिए. मुझे आजकल जो रील का ट्रेंड चला है कुछ रील भी बना लेनी चाहिए. मैं वो सब करती नहीं हूँ लेकिन आज मैं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे खुद को ये पूजा की शादी की संगीत की सारी मेमोरीज चाहिए. सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स मेक लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड हैव लॉट ऑफ फन. मैं नाचूंगी तो बहुत ये बात तो तय है लेकिन मैंने कोई परफॉर्मेंस ऐसा कोई तैयार किया नहीं है. लेकिन जब मुझे कॉल आया था कि परफॉर्म करो तो मैंने कहा जितने भी लोग परफॉर्म करेंगे मैं उसमें घुस जाऊंगी नाचने के लिए. सो दूल्हा आ गया. दूल्हा आ गया. ये हमारा छुपा रुस्तम दूल्हा. मैंने आते ही इसको कहा मैंने कहा छुपा रुस्तम निकला तू. तो हम जानना चाहेंगे कि आप लड़की की तरफ से हैं. मैं फॉरएवर लड़की की तरफ से. ये बात अलग है कि हम पहले से जानते हैं एक ही स्टूडियो में शूट करते थे और काफ़ी मिले हैं हम. लेकिन मैं लड़की वालों की तरफ से. खुशी तो बहुत होती है यार. ये तो बिल्कुल ही अलग फीलिंग है. बट ऐसी खुशी पहले कभी नहीं हुई तो मैं आई कांट एक्सप्रेस की कैसी फीलिंग है. बट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप होनी बाकी है. अभी शादी होनी बाकी है. अभी संगीत होगा नाच गाना लोग परफॉर्म करेंगे. अभी अभी तो बहुत सारे इमोशंस आएंगे बाहर. ये कल सवाल करना. अभी तो मैं भागदौड़ कर रहा हूँ. अभी कुछ और भी चीज़ें सेट कर रहा हूँ. तब तक आप बैठ करो मैं वापस आऊँगा. तुम सेट करो सेट करो. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ पता है फॉर करण. लाइक आई हैव बीन फ्रेंड्स विद करण फॉर सो मेनी इयर्स नाउ. और करण बहुत ही प्यारा है यार. और पूजा के साथ वो और प्यारा लग रहा है. जब मैं नीचे आई तो मुझे कॉल आ रहा था तो लेट हो ये कहाँ रह गई. मैंने फ़ोन उठाया और मुझे सामने करण और पूजा का पिक्चर दिखाया ना. आई गॉट सो हैप्पी एंड एक्साइटेड. ओह माय गॉड कितने प्यारे लग रहे हैं. मतलब वो मेरा लिटरल रिएक्शन था. सो आई एम सो हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड फॉर टुनाइट. एज़ यू कैन सी मतलब आप देख ही सकते हो मैं क्या ही डिस्क्राइब करूँ उसे. इट्स अ प्रिटी ड्रेस या ये बहुत ही लास्ट मोमेंट प्रेपरेशंस हैं तो मुझे पहले से पता था. बट आई वाज बिजी विद समथिंग एल्स एंड मुझे लास्ट मोमेंट पे याद आया कि ओके वी करना है. एंड देन समथिंग हैपेंड एंड दिस इज व्हाट आई गॉट. एंड आई लाइक ब्लू कलर सो आई एम लाइकिंग व्हाट आई एम वेयरिंग. एंड ये देखो एक तो जो लड़का वर्सेस लड़की की टीम होती है ना लड़के वाले जो होते हैं लड़के वाले वो बड़े नुकसान में रहते हैं क्योंकि हमारा लड़का खुद ही लड़की की टीम में होता है. तो मतलब सबसे ज़्यादा जो मारे जाते हैं वो लड़के वाले होते हैं. तो हम बेचारे वो ही हैं तो क्या ही कंपटीशन दें. जीतना तो भाभी नहीं है. मैं चाहती हूँ कि दोनों की मैरिड लाइफ बहुत 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 खूबसूरत रहे. बहुत ही अच्छी रहे दोनों एक साथ. वैसे ही बहुत खुश हैं और खुश रहें. और आई विश देम लॉट्स ऑफ लव एंड सक्सेस एंड लव अगेन. वेरी हैप्पी फॉर हिम. या ही लाइक वी नो हिम सिंस 3 इयर्स एंड ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ. स्पेशली वो मेरे ऑपोजिट था ससुराल से मर के. एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ हैप्पी फाइनली. एक्चुअली फाउंड द वन वी बीन सर्चिंग फॉर हिम. एक्चुअली हम लोग भी उसकी हमसे नहीं हो पा रहा था. उसे खुद कर लिया एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वो खुश है. बस हम यही चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे. एंड इवन पूजा आई नो हर पहले से एंड शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल. सो आई थिंक दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है. एंड आई होप कि दे हैव अ वेरी वेरी अमेजिंग ब्यूटीफुल लाइफ. बहुत इंजॉय कर रहे हैं. वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. और ऐसे कहते हैं ना कि अंदर से खुशी तो इसीलिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस. और कल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि मेरे विवान यानी कि करण शर्मा की शादी पूजा के साथ. एंड आई एम सो एक्साइटेड. हम जो ट्रैफिक पार करते हुए तरह तरह के यू टर्न के बाद यू टर्न लेते हुए यहाँ पहुँचे हैं. आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे यू टर्न के बाद आज हमारा करण जो है यानी कि विवान अपनी मंजिल तक पहुँचा है. एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे. आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हियर. आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर ऑल हियर. बहुत 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 खुश हूँ. पूजा मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और ये मेरा बच्चा है. शी इज़ ऑलवेज लाइक दिस. अच्छा 11 साल पहले हमने एक शो किया था अफसर बिटिया जब मैं बहुत ही छोटी थी. हाँ. बहुत बहुत छोटी. और ये अभी भी वैसी ही दिखती है जैसे 11 साल पहले दिखती थी. और तुम अभी भी मेरे लिए बच्चा ही हो. तुम कभी बड़ी नहीं होगी मेरे लिए. सो आई एम वेरी 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 हैप्पी बिकॉज मैं पूजा को कम से कम 14 साल से जानती हूँ.
उसकी लाइफ के जुड़े हर मोमेंट्स को, हर हैप्पीनेस को, हर सैडनेस को मैंने यू नो रूबरू देखा है. और जब किसी इंसान को उसका सच्चा लाइफ पार्टनर मिलता है, राइट लाइफ पार्टनर मिलता है, तो यू नो खुशी कुछ अनदर लेवल पे होती है. सो आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर हर एंड आई रियली विश दैट यू नो करण, ऑफकोर्स करण को भी मैं 14-15 साल से जानती हूँ. और यू नो कभी कभी होता है ना कि यार कहाँ अच्छे लड़के मिलेंगे, कैसे होगी शादी, कोई मिल ही नहीं रहा. ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलती हैं जोड़ियाँ, जो बोलते हैं ना ऊपर वाला बना के भेजता है, तो ऐसे बना के भेजता है. एंड आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने हमेशा पूजा का जो अपने फ़ोन पे नाम है वो पूजा सिंह, शी इज़ पूजा सिंह, बट मैंने हमेशा उसका नाम पूजा शर्मा से पता नहीं क्यों सेव किया हुआ है, आई डोंट नो, फ्रॉम द डे वन. और मुझे बड़ा दिक्कत होता था जब मुझे उसका नंबर कहीं फॉरवर्ड करना होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई शुड चेंज हर नेम, बट मैंने कभी किया नहीं. एंड देखो आई थिंक दिस वॉज द यू नो दिस वॉज द इशारा फ्रॉम यूनिवर्स कि वो पूजा शर्मा ही हो गई. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर. बहुत बहुत इन्जॉय किया. इन्जॉय से सबसे ऐसे फेस्टिवल्स, आई मीन ऐसे ओकेजन्स जब आते हैं, आप इतने सारे लोगों से मिलते हो जिनसे आप रेगुलरली नहीं मिल पाते. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर पूजा एंड करण. दिस वॉज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी आर वेरी इमोशनल, वेरी ओवरवेल्म. बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, बट वो सिर्फ आँखों ही आँखों में है. आई विश देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ फर्स्टली. एंड दोनों एक जैसे हैं, दोनों बहुत खुश लगते हैं साथ में. एंड भगवान करे कि यू नो उनके जीवन में हमेशा खुशहाली आए. एंड ये साथ सिर्फ शादी का नहीं, पूरे लाइफ टाइम का साथ हो. भाई फंक्शंस तो रहे बड़े ही धमाकेदार. उम्मीद करते हैं कि पूजा और करण की जिंदगी में ऐसे ही खुशियां आती रहें. मुंबई से नुपुर माउची और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम सिर्फ सैटरडे को ही नहीं बल्कि 24/7 करते हैं आपके साथ एंटरटेनमेंट की पार्टी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. देखिए नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार.